जाते हैं, लेकिन उनकी कही हुई बातें हमेशा हवा में तैरती रहती है, इसलिए हमेशा संभल कर बोलने के लिए कहा जाता है। आज हम ऐसे ही एक शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम है चार्ली मंगर। जी हाँ, बिलियनर चार्ली मंगर, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट के मेन पार्टनर चार्ली मंगर का कल 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो यही चार्ली मंगर बहुत बड़े इन्वेस्टर थे और बहुत से लोगों के इंस्पिरेशन थे। लेकिन भारत के कंटेस्ट में अगर बात की जाए तो इन्होंने एक बार भारत के लिए बड़ी दिल तोड़ने वाली बात कही। तो उनकी मौत के बाद तो वही वीडियो जिसमें उन्होंने भारत के बारे में ऐसी बातें कही थी, वह एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में तैर रही है। इंडिया के बारे में जो इन्होंने बातें कही थी वह तकरीबन 2 मिनट की वीडियो है और इसमें उन्होंने इंडिया से जुड़ी हुई कई बातें कही। मैं चाहती हूँ कि आप भी उस वीडियो को देखें और उसके बारे में जो उन्होंने भारत के कंटेस्ट में बातें कही है वह मैं आपको बताऊंगी। That's what I think of him. So I think now you turn to India. And I would say, I'd rather work with a bunch of Chinese than I would Indian civilization mired down, caste system, overpopulation, assimilating the worst stupidities of the democratic system, which by the way, Lee Kuan Yew avoided. It's hard to get anything done in India, and the bribes are just awful. So all I can say is, it's not going to be easy for India to follow the example of Lee Kuan Yew. I think India will move ahead, but it is so defective as a get-ahead in place. The Indians I know are fabulous people. They're just as talented as the Chinese, I mean, you know, the Indian populace. But the system and the poverty and the corruption and the crazy democratic thing where you let anybody who screams stop all progress, it mires India with problems Lee Kuan Yew didn't have. And I don't think those Indian problems are all easy to fix. Let me give you an example. The Korean steel company, POSCO, invented a new way of creating steel out of lousy iron ore and lousy coal. There's some province in India that has lots of lousy iron ore and lots of lousy coal, which there's not much use for. And this one process would take their lousy iron ore and the coal and make a lot of steel. And they got a lot of cheap labor. So POSCO and India were made for each other. And they made a deal. दोस्तों, इस वीडियो को देखने पर आपको पता चल रहा होगा कि उन्होंने भारत के बारे में जो बातें कही हैं वो कई लोगों के दिल को तोड़ने वाली बातें हैं। ये और बात है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, तो आप उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, यह इस पर डिपेंड करता है। तो जनाब ने कई इश्यूज पर बात की थी और भारत में जो करप्शन है, डेमोक्रेसी है, उसको लेकर भी कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी की अच्छी बातें हैं वो इंडियंस ने नहीं अपनाई हैं, और जो डेमोक्रेसी की खराब बातें हैं वो इंडिया में हर जगह दिखाई देती हैं। इंडिया में एक ऐसा सिस्टम है जो डेवलपमेंट सिस्टम को रोकता है। अगर किसी प्रोजेक्ट को आपको रोकना है तो 5 लोगों को इकट्ठा कीजिए और उनको चीखने के लिए कहिए। वे जितनी ज्यादा जोर से चीखेंगे प्रोजेक्ट उतनी ही जल्दी बंद हो जाएगा। अपने इस वीडियो में उन्होंने POSCO स्टील के बारे में बताया है कि किस तरह भारत में यह प्रोजेक्ट बहुत बेनिफिशियल था, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर चीख चिल्लाहट मचाकर इस प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया। लगातार इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत में प्रोटेस्ट हुए और अल्टीमेटली भारत सरकार को इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। अगर चीन या वियतनाम में इस तरह का प्रोजेक्ट आता तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उनका पर्सपेक्टिव यह है कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है उससे इंडिया को बहुत लॉस हुआ है। लेकिन कुछ लोग इंडिया में यह मानते थे कि चार्ली मंगर जो है वो इंडिया के प्रति निराशावाद रखते हैं, और उसके उलट वे चीन के प्रति बहुत आशावादी थे क्योंकि उनका जॉइंट इन्वेस्टमेंट था चीन में और उससे उनको बहुत फायदा मिला था। अगर आप इस वक्त चाइना के किसी सोशल मीडिया पर जाकर देखेंगे तो बहुत से लोग उनको बहुत याद कर रहे हैं क्योंकि उनसे चाइना को बहुत फायदा हुआ था। US से भी उन्होंने काफी पैसा कमाया था। तो यह आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है कि आप उनकी बातों से एग्री हैं या डिसएग्री हैं। भारत को लेकर वो चीन की तुलना में पैसिमिस्टिक थे, जबकि आज अगर हम देखें तो 2022 और 23 में भारत की GDP ग्रोथ जो है वो चाइना से अधिक है, और एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक यह ग्रोथ 7% से ऊपर जा सकती है, जबकि चाइना की GDP ग्रोथ 2-3% तक सिमट कर रह जाएगी। लेकिन एक दूसरे बड़े कंटेस्ट में अगर देखा जाए तो चाइना फिर भी हमसे आगे रह सकता है।
तो बताइए आपके हिसाब से जिन चार्ली मुंगेर के बारे में आज पूरी दुनिया बात कर रही है उनकी इस बात से आप कितना एग्री हैं और कितना डिसएग्री। अगर एग्री या डिसएग्री है तो क्यों वह जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। तो मैं लेती हूँ विराम, आपको अगले वीडियो तक राम राम।